व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर। आज एक ऐसी प्रॉपर्टी का रिव्यू होने जा रहा है जिस प्रॉपर्टी के रिव्यू को देखने के बाद आप मुझे कमेंट में थैंक यू तो ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था लोग कमेंट कर रहे हैं कि देवेश भाई आप नाला सुपारा में रहते हो, नाला सुपारा से ट्रेन पकड़ लो और आप आ जाओ वसई, वसई से सीधा निकल के पहुंच जाओ नवी मुंबई पनवेल में। और ठीक मैंने वैसा ही किया। सबसे पहले मैं वसई पहुंचता हूं और एक ऐसे प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए पनवेल की ट्रेन पकड़ता हूं। ये मेमो ट्रेन आप सामने देख रहे हो, जहां पे ऐसा प्रोजेक्ट है 15-16 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए में घर मिल रहा है, वो भी स्टेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब जैसे ही मैं ट्रेन पकड़ के निकलता हूँ नवी मुंबई, तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। सामने आप देख सकते हो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आता है कि दाम भी इसका उतना ही अच्छा अच्छा है। मतलब 40 लाख रुपए के नीचे तो कुछ नहीं मिल रहा है। और आप सब जानते हो, या अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, नवी मुंबई में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए हुए हैं जिनकी प्राइसिंग 35 लाख रुपीज़, 35-40 लाख रुपीज़ तक जाती है। अभी ये सामने आप देख रहे हो ना, ये पनवेल का जो मॉल है वो सामने आप देख सकते हो, मैं ट्रेन से जूम करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज मैं पनवेल रेलवे स्टेशन उतर गया और इस बार भी मैं कोई 30-35-40 लाख रुपये की प्रॉपर्टी रिव्यू करने नहीं जा रहा हूँ। पनवेल स्टेशन से बाहर निकल के विचुंबे नाम का एक लोकेशन है, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके आगे भी प्रोजेक्ट बन रहा है, रेडी टू मूव में भी प्रोजेक्ट है। और रेलवे स्टेशन से नज़दीक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 15 लाख से चालू होता है, 25 लाख का भी मिलता है। तो इतने कम बजट में पहली बार मुझे कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करने का मौका मिला, और वो भी नवी मुंबई में, क्योंकि आप जानते हो मैं पूरे मुंबई, नवी मुंबई हर लोकेशन पे करता हूँ, चाहे वो डोंबिवली हो, चाहे कल्याण हो, कुर्ला हो, मलाड हो, बोरीवली हो, हर लोकेशन में रिव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे भाई आ गए हमको पिक करने के लिए। तो पनवेल रेलवे स्टेशन से उतर के मैं मार्केट देखने चला गया, क्योंकि पनवेल के आसपास, मतलब रेलवे स्टेशन के आसपास में इतने अच्छे लोकेशंस हैं, इतने प्राइम लोकेशंस हैं, आप देख के ही समझ जाओगे कि हाँ भाई ये काफ़ी पॉश एरिया है। और अभी तक जो भी मैंने पनवेल में रिव्यू किया था, सारे प्रोजेक्ट्स थे स्टेशन से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, और दाम थे उनके 30-35 लाख रुपये। पहली बार जब मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पे सेक्टर 15, आप देख सकते हो 15-16 सेक्टर है, यहाँ से बाहर निकल के रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऐसा प्रोजेक्ट रिव्यू करने का मौका मिला जिसका दाम भी बहुत कम है, तो मैं भी बहुत खुश हो गया। तो सबसे पहले रास्ता पकड़ के मैं जाता हूँ सीधा प्रोजेक्ट पे, और आप लोकेशन देखो, पनवेल लोकेशन इतनी प्यारी लोकेशन है, वो भी स्टेशन के पास का एरिया, यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। ये जो सामने आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा कॉलेज है। अब आप इससे समझ सकते हो, यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये एरिया सब कितना पॉश है, शांत इलाका है, काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से ये पूरा एरिया डिज़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये पूरा रास्ता दिखाते हुए आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे एक नया CNG पंप भी बन रहा था, इसी के बगल में ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके हम सीधा विचुंबे पहुँच जाएंगे। और लोग मुझे पूछते हैं, देवेश भाई आपने लोकेशन नहीं बताया, तो मैं आपको लोकेशन पहले ही बता रहा हूँ, पनवेल में विचुंबे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका काम भी चल रहा है, और रेडी टू मूव वाला प्रोजेक्ट उसके आगे है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को सल्यूट करें और पूरा मार्केट डिटेल में देखें। ये पूरा मार्केट है विचुंबे का, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10,000 प्रोजेक्ट्स तो बने होंगे, और लगभग हर एरिया कम्प्लीटली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, हर तरीके का मार्केट है, हर तरीके की दुकानें हैं, हर तरीके के ब्रांड्स हैं, यहाँ तक कि SBI बैंक भी है, कैनरा बैंक भी है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, DMart भी आपको देखने को मिलेगा, DMart रेडी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़े बड़े जिम्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब इससे अपने को क्या समझ में आता है कि भाई एरिया जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है,
कैनरा बैंक मैंने आपको बोला था, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं यहाँ पर और बहुत सारे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं और बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है। तो ये जो एरिया मैं आपको आज रिव्यू करा रहा हूँ, ये है पनवेल के नज़दीक में विचुम्बे नाम का एक लोकेशन। यहाँ पे एक ऐसा नया प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका काम ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट, 6 महीने के अंदर पोजेशन है और यहाँ पर आपको 1 BHK, 2 BHK, 1 RK सब कुछ मिलने वाला है। और यही सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, मैं आपको रेडी टू मूव में जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये बिल्डिंग में थोड़ा सा आपको घुमा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको रेडी टू मूव वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि पनवेल स्टेशन से नज़दीक में भी है और दाम भी बहुत कम है, 100% लीगल प्रोजेक्ट है। पूरे बिल्डिंग में बांधकाम आप देख सकते हो लाल ईंट का किया हुआ है, कोई सिफरेक्स वगैरह नहीं यूज़ किया है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर खास बात क्या है, तो यहाँ पे ABCD करके अलग अलग विंग्स हैं, हर विंग में आपको लिफ्ट भी देखने को मिलेगा और बिल्डिंग स्टेशन से नज़दीक है। बिल्डिंग के सामने का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो आसपास में आपको पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, इनफैक्ट रेलवे स्टेशन भी आपको बिल्डिंग से नज़र आएगा इस प्रोजेक्ट के। और इसके बाद मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ, ये जो आप ब्लू कलर का सर्कल देख रहे हो ना वो रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब एकदम ही रेलवे स्टेशन से नज़दीक ये प्रोजेक्ट है। फिलहाल मैं जो प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और इन्हीं डेवलपर ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया रेडी टू मूव, उसमें भी फ्लैट्स अवेलेबल हैं, उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो सिर्फ यही नहीं है, ये तो फिलहाल जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कोई होता है जिसको 6 महीने के अंदर पोजेशन चाहिए होता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एकदम रेडी टू मूव में चाहिए होता है तो उनके लिए मैं इसके आगे रेडी टू मूव वाला ऑप्शन भी दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए इस बिल्डिंग में एक सैंपल फ्लैट मैंने देखा, मैं तो चौंक ही गया, इतना बड़ा 1 BHK अपार्टमेंट आप देख रहे हो, पूरा ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। आप हॉल का साइज देखो, डाइनिंग का साइज देखो, उसके बाद आप किचन का साइज देखो, हर एक चीज एकदम बड़ी आपको देखने को मिलेगी। और अगर किसी को जस्ट इन केस ओपन किचन नहीं पसंद है तो वो यहाँ पे एक दीवार बना के क्लोज्ड किचन कॉन्सेप्ट भी कर सकता है। सामने आपको आपका बेडरूम देखने को मिलेगा। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, हालांकि 7-7.5 मिनट हो गया वीडियो में, लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे आपको टेरेस फ्लैट्स भी मिलेंगे, यानी कि बड़ी बड़ी बालकनी वाले फ्लैट्स भी आपको मिल जाएंगे। हर फ्लैट का दाम उसकी साइज के हिसाब से होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम बाथरूम आप देख सकते हो, दोनों अलग अलग है, पूरा टाइल डेवलपर लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ये वॉशरूम स्पेस है, राइट साइड में आपका बाथरूम स्पेस था, फुल्ली टाइल लगा हुआ है और काम अभी यहाँ पर चल रहा है। उसी के बगल में मैं आता हूँ एक 1 BHK फ्लैट आपको दिखाने के लिए। इसके अंदर बैल्कनी भी है, आप बैल्कनी स्पेस देख सकते हो, ये हॉल की बैल्कनी तो नॉर्मल है, लेकिन जब मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलूँगा आपको बेडरूम की बैल्कनी दिखाता हूँ, वो बहुत बड़ी है, तो उसी को मैं टेरेस फ्लैट बता रहा हूँ। यहाँ पर आप यहाँ का कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया देख लो, इसमें वॉशरूम बाथरूम कॉमन है। किचन में आपको सिंगल प्लेटफॉर्म मिलता है 1 BHK में, अगर डबल प्लेटफॉर्म होता तो बहुत अच्छी बात होती। किचन में भी आपको बैल्कनी देखने को मिलेगी, ये एक और प्लस पॉइंट है। उसके बाद जब आप बेडरूम में जाओगे तो इसका बेडरूम काफी बड़ा है और ये मास्टर बेडरूम के साथ आता है विद अटैच्ड बिग बालकनी। इसी को मैं बोलता हूं, जब भी मैं देखता हूं ना 4-5 फीट की बड़ी बालकनी है, मेरे लिए तो वो टेरिस है, क्योंकि हमारे यहां पर इतनी बड़ी बालकनीज नहीं मिलती है। और अगर एक चीज खास मैं आपको बताऊं कि पनवेल जैसे लोकेशन पर आपको 1 BHK मास्टर बेडरूम और इतने कम दाम में मिले, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बैल्कनीज, तो मेरे हिसाब से और तो कुछ चाहिए नहीं। एक फ्लैट मैं और आपको दिखाता हूं, यहां पे काम चल रहा है इसके लिए गंदगी है, ये 2 BHK फ्लैट था, इसकी बैल्कनी आप देखो, इसकी बैल्कनी तो लंबाई में भी बहुत बड़ी थी। तो मुझे ये सारे अपार्टमेंट्स बहुत पसंद आए और यही सिर्फ मैं रिव्यू नहीं करने वाला, मैं आपको इसके बगल में, मतलब थोड़ा सा और आगे हम निकलेंगे तो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए वो मिल जाएगा, रेडी टू मूव चाहिए वो मिल जाएगा, स्टेशन से एकदम नज़दीक चाहिए वो मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे जा सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। स्टेशन के पास में आप देखोगे तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है,
मैंने तो ये भी सुना है कि वो सारी बिल्डिंग्स सिर्फ इतनी हाई फाई बन रही है कि HDFC बैंक वालों को मिलने वाला है। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन के पास में, और उसी के बाद आगे आप आओगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स का ये पूरा ऑफिस एरिया है। अब ये ऑफिस एरिया है कि उनका रेसिडेंशियल एरिया है वो मुझे नहीं पता। उसी के सामने आपको पेट्रोल पम्प की सुविधा, ONGC की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की बस सर्विसेज, शेयरिंग रिक्शा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे बस बगल में ही एक अपना प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, जो कि रेडी टू मूव है और पूरा बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हो चुका है। आसपास की सोसाइटी आप देखोगे तो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वहाँ पे, पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। और राइट साइड में कैमरा टर्न करके पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू कराता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो श्रुति रेसिडेंसी, ये 100% कम्प्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है। रेडी टू मूव ऑप्शन आपको मिल रहा है और इसमें दाम भी बहुत ही ज्यादा कम है। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK सब कुछ मिलेगा। और एक खास बात आपको बता देता हूं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर पसंद आती है, नीचे आप देख सकते हो कोई भी कमर्शियल गाला वाला कुछ नहीं बनाया है, पूरा पार्किंग के लिए जगह दी है, तो आप खुद देख सकते हो कि भाई पार्किंग के लिए जगह कितना है। और बिल्डिंग के जस्ट पीछे 50-50 60-60 माले के टावर्स बन रहे हैं, तो आप तो समझ ही सकते हो कि ये एरिया कितना अच्छा होगा, यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी इसके आसपास में, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बारिश का टाइम था, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। मेन चीज़ जो आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको किड्स प्ले एरिया, गार्डन, सब कुछ मिलेगा। और पैसा आपको कितना भरना है सबको वो भी जानना होता है कि देवेश भाई मान लीजिए मैंने 15 लाख रुपए वाला 1 RK खरीदा तो मुझे भरना कितना पड़ेगा और मेरा लोन कितना हो जाएगा, तो सिर्फ 10% आपको भरना है। यानी कि अगर आप 15 लाख का फ्लैट लेते हैं तो 1.5 लाख रुपये भरो, बाकी सब लोन हो जाएगा। 20 लाख रुपए का लेते हो तो 2 लाख रुपए भरो, बाकी सब लोन हो जाएगा। यहीं पे सोसाइटी ऑफिस भी था आपने पीछे देखा, तो हम तो निकल पड़े। सबसे पहले मुझे लिफ्ट का वगैरह एरिया भी देखना था, मीटर बॉक्स सब कुछ यहाँ पे, पार्किंग वार्किंग एकदम सॉर्टेड था, पार्किंग की हाइट भी अच्छी थी, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट भी अपने को मिल रहा था, और यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस वगैरह डेवलपर ने बनाया ही था, वॉचमैन केबिन बनाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट सोसाइटी थी ये। आप देख सकते हो साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ी गंदगी थी बट यहाँ पे साफ़ सफाई मुझे अच्छी खासी देखने को मिली। यहाँ पे बैल्कनी फ्लैट्स भी अवेलेबल है, और 2 BHK फ्लैट में ये आपको दिखा रहा हूँ, कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया, बड़ा किचन आपको देखने को मिलेगा, कॉमन बेडरूम उसके अंदर भी बालकनी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा मास्टर बेडरूम में, जो कि दूसरा बेडरूम है, ये भी आपको बालकनी के साथ मिलेगा विद अटैच वॉशरूम बाथरूम। राइट साइड में कैमरा टर्न करके ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम भी देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद बिल्डिंग में जो लॉबी है, जैसे आपके घर के सामने कितनी जगह आप देख सकते हो, डेवलपर ने कितना जगह यहाँ पे छोड़ा हुआ है, बहुत ही स्पेशियस। इनफैक्ट सामने तो किसी ने बेड भी बाहर रखा हुआ था, इतनी बड़ी तो फ्लैट के बाहर की जगह है। आसपास का लोकेलिटी आप देखोगे एकदम शांत, स्टेशन से नज़दीक और लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइस में। कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि देवेश भाई, कुछ एजेड लोग होते हैं 60-70 साल के, वो बोलते हैं देवेश भाई हमको कोई ऐसा फ्लैट मिल सकता है क्या जहाँ से नेचर का व्यू बहुत अच्छा है। तो इसमें एक फ्लैट है, इसके पीछे बहुत बड़ा गार्डन टाइप है, ये पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, एक फ्लैट ऐसा भी लाइन है जहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी की एज ज़्यादा है, पेड़ पौधे वाला मतलब आसपास चाहिए, तो वो भी मिलेगा। फाइनली आज आप देखिए हम लोग नवी मुंबई में पनवेल में एक प्रॉपर्टी का रिव्यू आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि देवेश भाई आप मुंबई कवर करना शुरू कर दिया है आपने, आप मलाड में जा रहे हो, आप वसई लेके जा रहे हो, आप थाने भी जा रहे हो, लेकिन अब आप वापस नवी मुंबई एक बार कोई प्रॉपर्टी लेके आओ, वो भी खास करके पनवेल में। अब मैं आपको बताता हूँ, पनवेल में मैंने बहुत बार प्रॉपर्टी की रिव्यूज़ करी हुई है, पनवेल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि 30 लाख 35 लाख के रेंज में पनवेल में मुझे अभी तक सिर्फ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली जो कि रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। और हर किसी को 8-10 किलोमीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं बढ़ता है क्योंकि सबके पास गाड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे आ जाता है कि प्रॉपर्टी चाहिए रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और प्राइस चाहिए उससे आधा। तो फाइनली आज बहुत मुश्किल से बहुत लोगों से कांटेक्ट करने के बाद नवी मुंबई पनवेल में एक ऐसी प्रॉपर्टी मुझे मिली है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
15 लाख रुपए से प्रॉपर्टी की प्राइसिंग चालू होती है, वो भी रेडी टू मूव। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि लोकेशन क्या है। लोग बोलते हैं पनवेल में भी कहाँ, पनवेल में कौन से लोकेशन पे, तो पनवेल में विचुम्बे में एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर ए बी सी डी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 4 का प्रोजेक्ट है। और आपको बता देता हूँ यहाँ पे रेडी टू मूव का भी ऑप्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन है। अगर आप ये जो विचुम्बे से थोड़ा सा आगे आएंगे जहाँ पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे 1 RK आपको 15 लाख में मिल जाएगा, 1 BHK आपको 25 लाख में मिल जाएगा और 2 BHK सिर्फ और सिर्फ 39 लाख रुपीज में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं अगल बगल में, ये कंप्लीट सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स हैं और मेरे पास कुछ इन्वेंट्रीज अभी बची हुई हैं जिसके अंदर अवेलेबल फ्लैट्स हैं, वो भी लो बजट में और पनवेल से 8-10 किलोमीटर दूर नहीं है। जैसे अगर आप विचुम्बे में लेते हैं तो स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 6 महीने में उसका पोजेशन है। और अगर आप रेडी टू मूव में चाहते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे, आपको यहाँ पर 15 लाख 25 लाख और 39 लाख में मिलेगा। 15 लाख में 1 RK, 25 लाख में 1 BHK और 39 लाख में 2 BHK। अगर आप स्टेशन से नज़दीक जो विचुम्बे मैंने आपको बताया जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6 महीने में जिसका पोजेशन है, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। प्राइसिंग 50,000 लाख रुपए ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लोन भी करा के मिलेगा, वो भी 90%। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 15 लाख की देखी, आपको उस पर लोन कराना है, तो सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए ही भरने की ज़रूरत है, बाकी 90% आपको लोन करा के मिल जाएगा। प्रॉपर्टी के पास में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डीमार्ट, रेलवे स्टेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। बड़े बड़े लिफ्ट्स आपको मिलते हैं, पार्किंग स्पेस मिलता है, मेन रोड पे प्रोजेक्ट है और आपको जैसा व्यू चाहिए, सोसाइटी व्यू चाहिए, रोड व्यू चाहिए, ग्रीनरी व्यू चाहिए, यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। क्योंकि जिस डेवलपर का मैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे उनके कम से कम 5-10 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उन्होंने सोल्ड आउट करके डिलीवर कर दिए। तो उस हिसाब से मैंने पनवेल में, मुझे लगता है 15-20 वीडियोस या 15-20 प्रॉपर्टीज रिव्यू की होंगी, लेकिन पहली बार ऐसा प्रॉपर्टी मुझे मिला जहां पर 15 लाख से स्टार्टिंग होता है, वो भी रेडी टू मूव ऑप्शंस भी अवेलेबल है और स्टेशन से 8-10 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पनवेल स्टेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इतनी सारी आपको ऑफर्स और ऑप्शंस मिल जाते हैं। लोन कराने की कोई दिक्कत नहीं है, 100% लीगल टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट है। सारी डिटेल्स मैंने खत्म कर दी है, अब आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अब डायरेक्ट कॉल करो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आपको स्टेशन से हर एक फैसिलिटी मिलने वाली है। स्क्रीन पे नंबर दिया है, डायरेक्ट बात करो, कोई भी ब्रोकर, एजेंट, कोई कमीशन, ब्रोकरेज, कुछ किसी को देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बात करो। अगर आपको पसंद आता है तो आप बुकिंग करो और अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मैं फिलहाल के लिए निकल रहा हूँ दुबई, दुबई से मैं वापस आऊंगा तो फिर से प्रॉपर्टी के रिव्यूज कंटिन्यूसली चालू रहने वाली है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।